नमस्कार। और शायद उत्तर प्रदेश सरकारी का राउंड टू का शायद मेरे लिए भी लाइफ का सबसे बड़ा शौक है। जी हाँ, जितने सालों से मैं ये MBBS काउंसलिंग कर रहा हूँ, और आपको पता ही है कि हम हर तरह की काउंसलिंग करते हैं, सिर्फ MBBS की नहीं करते। आई एम ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो, करियर काउंसलर, वी ऑल्सो डू BTech काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन एक ना ट्रेंड होता है, और उस ट्रेंड में मतलब देखिए, प्राइवेट, मैंने आपको शुरू से कहा था कि उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है जिसमें राउंड टू राउंड वन के ऊपर जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में एकमात्र स्टेट है जिसमें फ्री एग्जिट राउंड वन में नहीं है। और राउंड वन में आप देख लीजिए, एकमात्र स्टेट था जहाँ 90% से ऊपर रिपोर्टिंग हुई थी, चार चार पाँच पाँच छः छः सीटें बची थी, अदर देन उन्नाव और वेंकटेश्वर गजरौला। तो अब सवाल ये है कि तो प्राइवेट का तो ऊपर जाना बनता था, अब उसमें भी पर ये रहता है कि क्यों जाता है, पहले उसकी बात करते हैं फिर सरकारी पे आते हैं। जैसे कुछ जो मेरे हिसाब से भाई बॉटम वाले कॉलेज जो 2 साल पहले खुले हैं, 3 साल पहले खुले हैं, उनमें से कुछ कुछ सीट 500 नंबर वालों ने उठाई हैं। अब क्या 500 नंबर वालों को इनसे बेटर कॉलेज नहीं मिल सकता था? देखिए, मिल सकता था। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ अबाउट जनरली जो 500 नंबर वाला था, 520 वाला, 510 वाला, उनको ये गलत फहमी दी जाती है कि आपको कर्नाटका में सीट मिल जाएगी, केरला में सीट मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने राउंड वन में UP नहीं भरा, उनको लगा केरला कर्नाटका जाएंगे, ये तो पक्का पता था सरकारी नहीं मिलेगा। और जब उनको ये दिख गया कि भाई हमें सीट नहीं मिल रही है, तो फिर आपने जाके UP में राउंड टू भर दिया। तो इस समय ना UP की जो राउंड टू की कट ऑफ जाती है, क्योंकि नए लोग UP में एंटर करते हैं जो राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि UP में राउंड वन में बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट किया जाता है। हरियाणा, हिमाचल, बाकी सब की आप कट ऑफ देख लीजिए कैसे धड़ाम से गिरी है। हरियाणा का तो मैंने वो वीडियो बना के दिखाया, बताया था कि कैसे 500-500 वाले 300 पे आ गया देश, समथिंग लाइक दैट। और ऐसे हिंदुस्तान में हर जगह होता है अदर देन UP। पर ये लॉजिक तो उसमें चलता है, अभी सरकारी में कहाँ चल पड़ा? देखिए, सरकारी में भी UP राउंड वन में ही 30,000 रुपये लेता है, ठीक है ना? जैसे उसके प्राइवेट MBBS के 2 लाख हो गए, सरकारी के 30 हो गए। बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो लोकल स्टेट काउंसलिंग होती है वो तो फ्री होती है, 2,000-2,500, 2,000-2,500। और जो अपना MCCB है वो भी 11,000 रुपये लेता है। तो कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जो यूपी के 30,000 रुपये भी देने में सोच रहे होते हैं कि हम दे ना दें, दे दिया सीट मिल गई तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो लोगों ने क्या करा कि ऑल इंडिया कोटा राउंड वन भरा, UP राउंड वन नहीं भरा, फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड टू देखा। और जब उन्होंने रियलाइज़ करा कि ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में जो उनको सीट मिल रही है, क्योंकि देखिए जितने भी यूपी में जिनको सरकारी सीट मिली है, मोस्टली लोगों को ऑल इंडिया कोटा में कोई ना कोई सीट मिलेगी। मैं कहना यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं, इन स्टेट में अगर किसी को लोकल सरकारी सीट मिलती है तो ऑल इंडिया लेवल पे तो उसकी सरकारी सीट तकरीबन पक्की है। पर ये लोग वेट कर रहे थे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कि भाई हमें कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला या साउथ के कॉलेज मिले टिपिकल यूपी वालों को, तो अब वो राउंड टू में घुस गए। और राउंड टू में वो वापस यूपी में आ गए, और उन्होंने सोचा कि भाई तमिलनाडु केरल में जाने से अच्छा है कि अपना यूपी का ऑटोनोमस कॉलेज ले लिया जाए। और ये जो ऑटोनोमस कॉलेज का जो लॉजिक हुआ, जो उसकी वजह से हुआ है कि सरकारी कट ऑफ है, पहली बार होगा कि चाहे ऑल इंडिया की मैं बात करूँ चाहे स्टेट्स की बात करूँ, बढ़ गई। एक तो मैंने बता दिया आपको कि 30,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉजिक था, तो उस वजह से देख कई लोगों के लिए 30,000 ही मैटर करता है ना, तो लोगों ने नहीं भरा। पर 2 लाख और 30,000 में तो बहुत फ़र्क है। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है वो यही है कि जब लोगों ने राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा में अपनी अलॉटमेंट देख ली, और उन्होंने देखा कि भाई हमें बहुत दूर मिल रही है, साउथ में मिल रही है, विच इज़ फैक्ट। जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको अक्सर केरला, तमिलनाडु, आंध्रा के इंटीरियर वाले, कर्नाटका के इंटीरियर वाले कॉलेज मिलेंगे या नॉर्थ ईस्ट वाले। और जब राउंड टू में उनका अपग्रेड नहीं हुआ तो वापस से यूपी में आ गए, और उन्होंने यूपी की सीटें ही लेनी शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये मोस्टली बच्चे अब ऑल इंडिया कोटा को छोड़ेंगे, ओके, एंड दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा में सीटें खुलेंगी। तो घबराइए मत, निराश मत होइए, चलती रहेगी काउंसलिंग। बस ये छोटा सा वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ था कि लोग भाई फ़ोन करते हैं, कमेंट डालते हैं कि सर आप समझाते हैं अच्छे से समझ में आता है, तो बताइए कि ऐसा कैसे हो गया कि पहली बार किसी सरकारी की कट ऑफ राउंड टू में राउंड वन से बड़ी है। क्योंकि देखिए कॉमन ट्रेंड है, मैं हमेशा कहता हूँ कि राउंड वन में सब भर देते हैं, फिर राउंड टू में धीरे धीरे छटनी शुरू होती है। जिस बंदे ने 10 जगह फॉर्म भरा होता है, चूँकि डिपॉजिट देना है तो वो 2 ही जगह भरेगा, 3 जगह भरेगा। इसकी वजह से आप कोई भी कॉलेज पकड़ेंगे, कोई भी, अमृता वाला केस डिफरेंट हुआ। देखिए अमृता में तो ये है कि राउंड वन की रिजल्ट को देख के लोगों में इतना जोश चढ़ गया कि जो लोग दूसरा कॉलेज ले रहे थे वो छोड़ छोड़ के अमृता आ गए। हमने मणिपाल का भी देखा था बच्चा जो मणिपाल छोड़ के अमृता आया। वरना एक बिल्कुल कॉमन ट्रेंड है कि 1 से 2 हर एक कॉलेज डाउन जाता है। और मैं आपको समझा चुका पहले वीडियोज़ में कि 2 to 3 डाउन क्यों नहीं जाता था, वो सीट ब्लॉकिंग के चक्कर में डीम्ड में, पर इस बार जाएगा। लेकिन सरकारी बढ़ जाए तो आप समझ गए, तो घबराइए मत। अभी भी मेरा मानना है कि
इस यूपी में जाने की वजह से, मतलब इसका मतलब ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने यूपी का अपना कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं विजाविस ऑल इंडिया कोटा का कि वो साउथ का कॉलेज, और चूंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा में पॉसिबिलिटी थी ना राउंड 3 की अपग्रेड की, तो इसलिए उन्होंने रिस्क ले लिया है। और देखिए यूपी में ये फ़ायदा है कि अभी तो सीट अलॉट हुई है, फीस पे भी करके आ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि आपकी पूरी फीस ही तो खाते हैं ना एक साल की, जब आप राउंड 2 के बाद रिज़ाइन करके आते हो, मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं कि ठीक है जी आपके जो अपने फीस जमा कराई है वो खा जाते हैं पूरी, पर सरकारी की फीस ही कितनी है। तो पीपल कैन टेक दैट रिस्क कि यूपी का राउंड 2 की सीट पकड़ ली है और अब ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में अपना बेस्ट देख लेते हैं। तो इस रूल चेंज करने की वजह से भी ये कट ऑफ ऊपर गई है कि लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम यूपी राउंड 2 में सीट पकड़ ली, राउंड 2 के बाद भी रेजिग्नेशन अलाउड है मॉपअप के 2 दिन चॉइस फिलिंग से पहले तक, तब तक ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा, और जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा तो हम देख लेंगे कि हमें बेटर सीट कौन सी मिल रही है, और यूपी वाले हमारी पूरी फीस खा भी गए तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सरकारी का तो लॉजिक अलग ही है ना, सरकारी में कोई आपकी फ़ीस पूरी चली जाए तो आपको कोई दुख एक साल का नहीं होगा, सब लाख रुपये से अंदर अंदर है, और वही चीज़ प्राइवेट में होती है तो दिक्कत होती है। तो देखिए 2022 में क्या था कि ऑल इंडिया कोटा भी आपने राउंड 2 सीट अगर एक्सेप्ट कर ली थी आप काउंसलिंग से बाहर थे, किसी स्टेट में आपने राउंड 2 में सीट एक्सेप्ट कर ली थी आप काउंसलिंग से बाहर थे, पर चूंकि इस बार वो जो अपग्रेड अलाउड हो गया है तो ये यूपी राउंड 2 का बच्चा यूपी मॉपअप भी नहीं जा पाएगा, बट वो क्या चांस ले रहा है अब यूपी राउंड 2 की मैंने सीट ले ली, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 देखूंगा और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे यूपी में रहना है या मुझे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में अगर मेरा बेटर कॉलेज मिल गया तो मैं वहाँ चला जाऊँ। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है कि क्यों यूपी में राउंड 2 की सरकारी कट ऑफ बढ़ गई है। फिर से इसका लॉजिक इसी बात पे आ रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड 3 तक अपग्रेड अलाउड हो गया है तो इस वजह से लोग अपने अपने स्टेट्स में भी राउंड 2 की सीट पकड़ के बैठे हुए हैं। लास्ट ईयर तक अक्सर ये लोग ये सीट छोड़ देते थे और छोड़नी पड़ती थी ना जो ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में सीट ले लेता था। सो 22 से 23 का जो सबसे बड़ा ये रूल चेंज हुआ है दैट इज़ द बिगेस्ट कल्प्रेट। ओके सो घबराइए मत, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, और आप जानते ही हैं हमसे संपर्क करना है, हमसे काउंसलिंग करानी है, कॉल अस ऑन 9643362320। मैं बार बार आपको समझाता हूँ दिस कॉल इज़ ऑल्सो नॉट फ्री, फर्स्ट कॉल का भी 2500 रुपये चार्ज लगता है, मीटिंग करने आओगे दिल्ली में तो 500 रुपये चार्ज लगेगा, और फिर जो हमारे काउंसलिंग पैकेजेस हैं वो 30,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।